उसको मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट तैयार किया जाए और इंसानी बुनियादों पर रिपोर्ट तैयार किया जाए। सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिनिमम वेज एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। आज का जो एहतजाज है एलजी मनोज सिन्हा साहब को अपना वादा याद दिलाने के लिए किया जा रहा है, बुलंद किया जा रहा है। मनोज सिन्हा साहब ने माही अप्रैल में 75 रुपीज का एनहांस करके वेजेस में ये कहा था कि ये इंटरिम रिलीफ है और 3 महीने के अंदर अंदर मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली के तर्ज पे यूटी के तर्ज पे लागू किया जाएगा। लेकिन मनोज सिन्हा साहब 5 महीने गुजर गए, मिनिमम वेज एक्ट का कोई नाम निशान नहीं है। उनकी इखलाकी और मन से भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किए गए वादे को पूरा करे। और दूसरी बात, सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड का इंस्टीट्यूट किया है जिस एडवाइजरी बोर्ड की यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो मिनिमम वेज रेट को रिवाइज करे। उनसे हमारी गुजारिश होगी कि रिपोर्ट तैयार करते वक्त, रिपोर्ट को पेश करने से पहले हमारी कुर्बानियों को देखे, हमारे मुश्किलात को देखे, हमारे तकलीफ को देखे। जो बाजार के जो इस वक्त रेट्स है, जो बाजार की इस वक्त खुर्दनशी की जो अशिया चीज़ें हैं उनकी जो रेट्स है आसमान को छू रही है, उनको मद्देनजर रखते हुए और जो मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली का जो मिनिमम वेज एक्ट जो दिल्ली में लागू किया गया है उसको मद्देनजर रखकर रिपोर्ट पेश किया जाए इंसानी बुनियादों पर और इंसानी दायरे के अंदर सोचकर मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से रिपोर्ट तैयार किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमने फैसला कर लिया, हमें सड़कों का रुख करने के सिवा फिर कोई चारा है ही नहीं।